तो फ्रेंड्स आप ये 2017 का पेपर देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर वन का। तो फ्रेंड्स ये हमारा हिस्ट्री का ऑनर्स पेपर वन है, जिसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो फ्रेंड्स आप ये सब देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे 10 MCQ पूछा जाएगा, जिसमें से आपका ये जो है MCQ आई पार्ट तक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाणकालीन संस्कृति की सामाजिक एवं आर्थिक संस्कृति व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ था, बुद्धिमान महावीर के जीवन एवं शिष्यों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था, उत्तर वैदिक आर्यों के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था, अशोक के धर्म का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था, सातवाहनों की शासन पद्धति की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा था, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन करें। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा था, कनिष्क प्रथम के जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा था, मगध साम्राज्य के उत्थान के विभत्र सापानों को चिन्हित करिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा था, और ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल भारतीय संस्कृति का संपूर्ण युग माना जाता है, क्या आप समझते हैं, वर्णन करें। तो फ्रेंड्स देखा आपने इस पेपर में टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 पूछा हुआ था। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।